Hi guys, good afternoon everyone. I welcome you all to our YouTube channel CVT by Supergrads. मेरा नाम है शिखा जैन और आज का ये सेशन मैं होस्ट करूंगी आपके लिए एक बहुत ही अच्छे कॉलेज के बारे में. GGS IPU शायद आप लोग ने नाम सुना होगा. ये एक दिल्ली बेस्ड कॉलेज है, यानी कि गुरु गोबिंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी. एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है एंड काफी सारे बच्चों ने हमें बताया कि उनको GGS IPU के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो वो ऑनलाइन कहीं और भी किसी सोर्सेज से गैदर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बनाई गई है. एंड तक बने रहिएगा, इस वीडियो में हम सारी चीजें जानेंगे GGS IPU के बारे में कि उनके कैंपसेस कहाँ पे हैं, कौन से वो कोर्सेज ऑफर करते हैं, क्या है उनका एडमिशन प्रोसेस, किस तरीके से उनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे, क्योंकि एक एग्जाम फेमस है GGS IPU सेट के बारे में, लेकिन बहुत ही कैच है यहाँ पे क्योंकि ये एग्जाम सारे कोर्सेज के लिए कंडक्ट नहीं किया जाता, कुछ ही कोर्सेज के लिए ये एग्जाम कंडक्ट होता है. और आज हम डिटेल में उन सारे कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, प्लस हम प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी कुछ व्यू करेंगे जो उनकी ओरिजिनल वेबसाइट से निकाला गया है. तो एंड तक बने रहिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की. तो सबसे पहले जानते हैं गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बारे में. ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी सबसे पहले आप देख सकते हो 1998 में एस्टैब्लिश हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने GGS IPU को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है. एंड लास्ट के कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो GGS IPU की NIRF रैंकिंग बहुत ही स्टेडिली बढ़ती जा रही है. तो अब जाकर यानी कि इस साल में 2022 के ईयर में 77th पोजीशन पर ये यूनिवर्सिटी आई है ऑल ओवर इंडिया ओवरऑल कैटेगरी में. तो बहुत ही अच्छा स्कोर है और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनका मेन कैंपस द्वारका में है, न्यू दिल्ली में. 100% सेल्फ सस्टेन्ड है ये कैंपस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के वर्ल्ड में जिस तरीके से हम जी रहे हैं उसके हिसाब से. प्लस अगर कोई भी कैंडिडेट्स बाहर से आते हैं जो कि दिल्ली के रेसिडेंट्स नहीं है, उनके लिए अकोमोडेशन फैसिलिटीज या हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं. इसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, प्लस द कैंपस इज आल्सो डिसेबल्ड फ्रेंडली. यानी कि कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी कैंपस के लिए, वो आपको सभी कुछ वहां पे अवेलेबल रहेगी, आपको किसी चीज की परेशानी की जरूरत नहीं है. आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पे हम दो कैंपस के बारे में बात करेंगे. जो अभी मैंने इससे पहले दिखाया था, यानी कि यहाँ पे जो आपका मेन कैंपस है वो द्वारका में है, वो द्वारका में है. लेकिन इसके अलावा भी एक और कैंपस है जो ईस्ट कैंपस के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है सूरजमल विहार, दिल्ली में है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेन कैंपस है द्वारका में, वहां पे ये सारे कोर्सेज आपको ऑफर करते हैं. यानी कि यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्टडीज, बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, लॉ एंड लीगल स्टडीज, एजुकेशन एंड आर्किटेक्चर एज वेल. लेकिन अगर आप ईस्ट कैंपस की तरफ देखोगे तो ईस्ट कैंपस में आपको दो ही कोर्सेज अवेलेबल है, मतलब दो ही स्कूल्स अवेलेबल है, विच आर फॉर ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स एंड लास्टली फॉर डिजाइन एंड इनोवेशन. ठीक है, तो ये आपके दो कैंपसेस हैं. बाकी इसके अलावा काफी सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस जुड़े हुए हैं GGS IPU के साथ, पर ये बेसिकली आपके दो कैंपसेस रहेंगे. अब बात करते हैं मेन चीज के बारे में जो कि है एडमिशन प्रोसेस. कैसे आप GGS IPU में एडमिशन ले सकते हो अगर आप वहां पे पढ़ाई करना चाहते हो तो. अब आप ये जान लीजिए कि GGS IPU अपने खुद के एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती है, बट ये एंट्रेंस टेस्ट कुछ ही कोर्सेज के लिए है. कुछ रिमेनिंग कोर्सेज इस तरह के कोर्सेज हैं जिनके लिए आपको नेशनल लेवल के टेस्ट देने होंगे. तो हम और डिटेल में जानेंगे कोर्स वाइज कि कौन से टेस्ट हैं नेशनल लेवल के जो आपको देने होंगे और कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनके लिए आपको इनका यानी कि इस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना होगा. तो यहां पर आप एक ब्रीफ देख लीजिए कि नेशनल लेवल टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे कुछ कोर्सेज के लिए एंड कुछ रिमेनिंग कोर्सेज के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि यूनिवर्सिटी अपने खुद ही कंडक्ट करवाते हैं. प्लस यहाँ पे हम ब्रीफली देख लेते हैं कि बीटेक इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी ऑनर्स, इंटीग्रेटेड बीबीए एलएलबी ऑनर्स, एलएलएम एंड बी आर्किटेक्चर, ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनके लिए सेट कंडक्ट नहीं होता. इन कोर्सेज के लिए आपको नेशनल लेवल टेस्ट ही देने पड़ेंगे. अब वो क्या है और भी कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए आपको एनएलटी देना होगा, आइए इसके बारे में देखते हैं. तो सबसे पहले हम
कैटेगराइज करते हैं नॉन मेडिकल और मेडिकल में, तो ऐसे कौन से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जो GGSIPO ऑफर करते हैं पर उनके लिए आपको नेशनल लेवल टेस्ट देना होगा नॉन मेडिकल की फील्ड में। तो सबसे पहले बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर देखते हैं, उसके लिए आपको नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ आर्किटेक्चर देना होगा। देन सेकेंडली इंटीग्रेटेड BLLB ऑनर्स या फिर इंटीग्रेटेड BBLLB ऑनर्स, उसके लिए आपको क्लैट का एग्जाम देना होगा अंडर ग्रेजुएशन के लिए, यानी कि कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। एंड लास्टली बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि BTech या इंजीनियरिंग अगर आप यहाँ से परस्यू करना चाहते हो तो आपको JEE मेन पेपर 1 देना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इन्हीं के हिसाब से होगा। आगे बढ़ते हैं, अब मेडिकल में अगर देखा जाए तो मेडिकल में ये कोर्सेज हैं जो आपको ऑफर करता है GGSIPU, प्लस इनके लिए आपको ये नीट का एग्जाम देना होगा। तो कोर्सेज के नाम एक बार देख लेते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन नर्सिंग, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी, एंड लास्टली बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। इन सारे कोर्सेज के लिए यानी कि यहाँ पर जो कोर्सेज हैं नॉन मेडिकल में और यहाँ पर जो कोर्सेज हैं मेडिकल की फील्ड में, आपको नेशनल लेवल टेस्ट के थ्रू ही एंट्रेंस लेना होगा। इनके लिए यूनिवर्सिटी अपने खुद के एंट्रेंस टेस्ट नहीं कंडक्ट करवाती। अब जानते हैं कि ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए GGSIPO सेट यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट उन्हीं के थ्रू कंडक्ट करवाती है। सो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस ऑफ BCA, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, BCom ऑनर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश ऑनर्स एंड लास्टली बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक ऑनर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके पूरे ऐसे कोर्सेज हैं जिनके लिए आपको इसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय GGSIPO देना होगा। इन कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप इसी टेस्ट के थ्रू जा सकते हो। अदरवाइज ये जो आपके मेडिकल के कोर्सेज हो गए एंड ये आपके नॉन मेडिकल के कोर्सेज हो गए, यहां पर आपको नेशनल लेवल टेस्ट ही देना होगा, उसी के थ्रू आप एंट्रेंस ले सकते हो। तो अब एक बार जानते हैं कि सेट यानी कि जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो GGSIPO कंडक्ट करवाते हैं अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, उनकी गाइडलाइंस क्या है, क्या होगा उनका पैटर्न, उनके मार्किंग स्कीम, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम स्कीम, सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि मोड ऑफ द एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। CUET का भी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके MCQ टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 100, टोटल मार्क्स है 400, यानी कि आपका एक क्वेश्चन हो गया 4 मार्क का। और ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग करवाई जाएगी, नेगेटिव मार्किंग होगी -1 की, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। मतलब यानी कि कोई भी क्वेश्चन हो गया, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उसके टोटल 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, तो उसमें से अगर आपने कोई भी आंसर गलत मार्क किया है तो तब आपको -1 अवॉर्ड किए जाएंगे। प्लस अगर आपने किसी क्वेश्चन में 2 आंसर्स मार्क कर दिए तो भी वो नेगेटिव मार्किंग में ही काउंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने 2 आंसर्स मार्क कर दिए तो उसके लिए 0 अवॉइड किया जाएगा, नहीं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि गलत आंसर पे भी आपको -1 मिलेगा, प्लस अगर आपने 2 आंसर्स मार्क कर दिए गलती से उस पे भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा ड्यूरेशन देखो तो आप 2.5 आवर्स का पेपर होगा, यानी कि आपको 100 क्वेश्चंस 2.5 आवर्स में कंप्लीट करने हैं। एंड मीडियम ऑफ द टेस्ट इज इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा और कोई लैंग्वेज नहीं यूज करी जाएगी एक्सेप्ट फॉर BEd। BEd के लिए एग्जाम्स मतलब जो आपका मीडियम होगा लैंग्वेज के लिए वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगे। बाकी सारे जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं एक्सेप्ट फॉर BEd यानी कि BCA, BBA, ये सब, इनके लिए आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगा। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। अब एक बार देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। अभी तक 2023 के लिए उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके जो डेट्स हैं ये आपके इसी 2022 के हिसाब से रहेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो मंथ ऑफ मार्च में स्टार्ट हो गया था,
और प्लस आपकी जो क्लोजिंग डेट थी वो अप्रैल में थी, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 1 या 1.5 मंथ का टाइम दिया जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये 2022 के डेटा है, अभी तक कोई ऑफिशियल डेट शीट या नोटिफिकेशन उनकी तरफ से आया नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी प्रिडिक्शन यही है कि मार्च से, 15th of मार्च से या 1st of मार्च के अराउंड से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। जो आपके एग्जाम डेट्स थे वो 2022 में इन द मंथ ऑफ जून कंडक्ट किए गए थे, तो इसमें भी आपको परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, बिकॉज सीयूईटी के एग्जाम या जेईई के एग्जाम्स या नीट के एग्जाम्स इससे पहले ही कंडक्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट मंथ में, जैसे सीयूईटी आपका 21st to 31st में है, तो जून में कंडक्ट होगा जीजीएस आईपीयू का सेट का एग्जाम, तो आपको ये परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि डेट्स आपकी क्लैश नहीं करेंगे। प्लस आप यहाँ पे एक चीज और देखोगे, जो आपका एकेडमिक सेशन है वो 1st of August 2022 से स्टार्ट हो गया था, तो अगेन यही प्रिडिक्शन करवाई जाएगी, यही प्रिडिक्शन है कि नेक्स्ट ईयर से भी यानी कि 2023 में आपका जो सेशन होगा, एकेडमिक सेशन होगा, वो भी 1st अगस्त के अराउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो इन डेट्स का ध्यान रखिएगा। मुझे मालूम है मार्च का मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ होने वाले बच्चों के लिए, बोर्ड्स भी रहेंगे, प्लस सीयूईटी के लिए भी प्रिपेयर करना है, प्लस जेईई के लिए भी प्रिपेयर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ है। बट ये मत भूलिए कि अगर आप जीजीएस आईपीयू सेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो अगर आप इस एग्जाम, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एंटर करना चाहते हो, आप यहीं से पढ़ना चाहते हो, तो आपको ध्यान देना होगा कि मार्च के मंथ में उनका नोटिफिकेशन, उनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इसके अलावा अगर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर देखोगे तो सीट एलोकेशन का फैक्टर है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया है, तो 85% ऑफ द टोटल सीट इनटेक दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। मतलब वो सारे बच्चे जिन्होंने दिल्ली से अपनी पढ़ाई करी है, दिल्ली से स्कूलिंग करी है, वो 85% रिजर्वेशन दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, दिल्ली बेस्ड रीजन के स्टूडेंट्स माने जाएंगे वो। पर इसके अलावा जो 15% है वो आउटसाइड कैंडिडेट्स के लिए रहेगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा सीट एलोकेशन सिस्टम में। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो है प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स का। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि उन्होंने प्रीवियस 3 इयर्स के लिए यानी कि 18, 19, 21 के लिए उन्होंने पूरे डेटा दिया हुआ है यहाँ पे। तो फर्स्ट उनकी जो मीडियम सैलरी है फॉर द ईयर ऑफ 2018 to 19 फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, उनकी 5,50,000 हैज बिन द मीडियम सैलरी, और यू कैन ऑल्सो से द एवरेज सैलरी। स्टेडिली ये इंक्रीज ही हो रहा है। इट केम टू 6 लाख सीटीसी फॉर द ईयर ऑफ 2019 to 20, एंड लास्टली फॉर द ईयर ऑफ 2020 to 21 इट केम अप टू अराउंड 7 लाख पर एनम। ये आपका एवरेज प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है फॉर जीजीएस आईपीयू। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हो जीजीएस आईपीयू के बारे में, सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई हो कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए आपको सेट का एग्जाम देना है, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए आप एनएलटी के थ्रू यानी कि नेशनल लेवल टेस्ट के थ्रू एंट्रेंस लोगे, कहाँ कहाँ के कैंपस हैं, किस तरह के कोर्सेज ऑफर करते हैं। आई होप ये सब कुछ आपको पता चल गया हो। कोई भी अगर आपके और भी कुछ डाउट या क्वेरी है तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कॉमेंट बॉक्स, एंड हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि हम इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें।